تاج شاہی نہ بادشاہی، نہ شان و شوکت رہے گی باقی، تمام ہوگا ہر ایک فسانہ، مگر محبت رہے گی باقی، گائیں گی بلبلیں ترانہ، چمن رہے گا نہ آشیانہ، مگر محبت رہے گی باقی، مگر محبت رہے گی باقی، روشن ستارے کی طرح دنیا میں روشن ہو، اس تقدیر لکھی گئی اور قلم خشک ہو گیا، خاطب تقدیر نے دو چار حروف ایسے لکھ دیے ہیں کہ پڑھ کر کانپ گئی ہوں۔ کچھ ہمیں بھی تو بتاؤ سلیمہ اما۔ آتش عشق وہ ہے جس سے سمندر جل جائے، ایک شرر پتھر میں جائے تو پتھر جل جائے۔ آخر تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ شیرین نام رکھو، پورے 22 برس تک شیر ہی اس کی خوراک ہو، شیر ہی پیے اور شیر ہی سے غسل کرے، شاید اس طرح اس کے مقدر کی سیاہی تیزی سے بدل جائے۔ 8 برس بیت گئے لیکن تقدیر کے ہاتھ میں شمشیر اب بھی دکھائی دیتی ہے۔ شمشیر اب بھی دکھائی دیتی ہے؟ شیر نام کا، شیر ہی اس کی خوراک ہے، شیر ہی سے غسل کرتی ہے، پھر بھی تقدیر کی سیاہی پر دودھ نے کچھ اثر نہ کیا۔ اللہ علیم الغیب۔ ابھی جان ہمیں عجائب گھر کب لے جائیے گا؟ آج ہی، ابھی چلو بیٹا۔ خوش آمدید شہزادی صاحب، ہم تمہارا عجائب گھر دیکھنے آئے ہیں۔ یہ میری خوش نصیبی ہے، آئیے تشریف لائیے، آئیے تشریف لائیے۔ بابا یہ کھلونا ہمیں دے دو۔ یہ بہت برا ہے، میں آپ کو گڑیا دیتا ہوں۔ کون ہے یہ؟ اندھا شکاری، مگر اس کا تیر کبھی خالی نہیں جاتا، ہم اسے ضرور لیں گے۔ شیری ضد نہ کرو بیٹی، کیوں تڑپ رہا ہے بابا؟ یہ تیر آپ سے نہیں نکلے گا، یہ تیر
उस समझे शिकारी ने मारा है। शरण की तकदीर में तीर खाना ही लिखा था। ये लीजिए गुड़िया। बाबा ये हिरन मैं लूंगी। झूठे और सच्चे की पहचान नहीं है। हम भी इसे पत्थर का ही समझे थे। ये हिरन मेरे बेटे फरहाद ने पाला है। पापा ये हिरन हमें दे दो, हम तुम्हें बहुत सी अशक्तियाँ देंगे। ये सब कुछ आप ही का है शहजादी साहिबा। मैं अपना हिरन नहीं दूंगा। हम इसे जरूर लेंगे। ये हिरन मेरे बाबा ने थोड़े बनाया, तो तुम ले लोगी? दे दो बेटा, जरूरत पड़ने पर हम जान तक नजर कर सकते हैं। रोज घास खिलाना, हम तुमसे ज्यादा ख्याल रखते हैं। तब मुझे इसकी याद आएगी तो तुम इसे देखने के लिए कभी कभी हमारे यहाँ आ जाया करना। कभी कभी तुम अपना हिरन देखने के लिए हमारे बागीचे में रोज आ जाया करना। हाँ चोर, किस तरह चुपके चुपके तुम्हारे पास आ गया? ये मेरा था, मेरे पास आ गया। ये मेरा कब बनेगा फरहाद? ये तुम्हारा ही है शीरी। दिल चाहता है मैं तुम्हें अपने तमाम खिलौने दे दूं। फरहाद तुम कितने अच्छे हो। जब तुम्हें यहाँ आने में देर लगती है तो ना जाने क्यों मेरा दिल धक धक करने लगता है। मैं भी तो सुबह यहाँ आ जाया करता हूँ और शाम होते ही चले जाते हो। ना जाने ये शाम इतनी जल्दी क्यों आ जाती है। तुम्हारी भुप्पी हर रोज शाम अपने साथ ले आती है और फिर वही उनकी आवाज, शीरी बेटी शीरी चलो शाम हो गई है। शीरी बेटी शीरी शाम हो गई, चिराग जल गए हैं। बेटा फरहाद जाओ, अब तुम भी अपने घर जाओ। फरहाद कल सुबह जल्दी आ जाना। फरहाद खुदा हाफिज़। खुदा। फिर आ जाएगी और तुम फिर चले जाओगे। ऐसे मत देखो खुदा के लिए। फिर कैसे देखूं? कहीं मैं अपने आप को भूल ना जाऊं। कहीं और नहीं, तुम यहीं अपने आप को भूल जाओ। खुदा करे आज शाम ना हो। शीरी बेटी शीरी शाम हो गई, चराग जल गए हैं। बेटा फरहाद जाओ, अब तुम भी अपने घर जाओ। सुना तुमने,
चराग जल गए हैं। जब हमारी दुनिया में अंधेरा हो जाता है तो दुनिया वालों की दुनिया में चराग जल होते हैं। फरहान, तुम्हारी तरह ये भी बच्चा था मगर अब तुम दोनों जवान हो चुके हो। अब हरण को देखने के लिए फरहाद जनाना बागीचे में नहीं आ सकते। लेकिन फूफी जान, जवान तो हरण हुआ है, इसमें फरहाद का क्या कसूर है? हया इजाजत नहीं देती। लेकिन फूफी जान, अगर हरण फरहाद को एक दिन भी ना देखेगा तो मर नहीं जाएगा। शाही आबरू का तुम्हें ख्याल रखना चाहिए। तुम अंदर नहीं जा सकते। अरे भाई, मैं फरहाद हूँ। फरहादी तो अंदर नहीं जा सकता। क्यों? शाही हुक्म का जवाब शाह के पास होगा। क्या मैं अपने हिरन को एक नजर भी नहीं देख सकता? नजर की वजह से ही तो जनाना बागीचे में नहीं जा सकते। किसी ने ठीक कहा है,
रक्का सा रक्स करती हुई तलवार होती है। सुभान अल्लाह आलीजा, तैरान में एक ही नागन है जिसकी कमर के बल कोई गिर न सका। शाह दौरा आलम पन्हा शाह तैरान की खिदमत आलिया में एक तैया बारियाबी की इजाजत चाहता है। उसे इज्जत के साथ हमारे दरबार में पेश किया जाए। शाह तेहरान की खिदमत अकदस में आदाब और तस्लीम। आपकी तारीफ। जमाना मुझे शहरयार कहता है। हम तेहरान आने का मकसद पूछ सकते हैं? जहां बना इंसान अजल से पैदा होता आया है और होता रहेगा, लेकिन जब कभी हुस्न इंसान की शक्ल में नमूदार होता है तो आदम की औलाद खुदा को खुदा मानने पर मजबूर हो जाती है। शहरयार, ऐसी कौन सी सूरत तुमने देखी जो तुम्हें खुदा होने का सबूत मिल गया? शीरी शीरी शाह इस्तांबुल रुख-ए-नेक अख्तर। जहां बना जमाने ने तारीख के कई वर्क उलट कर देखे, लेकिन जमाने की तारीख में शीरी का जवाब पैदा न कर सकी। उस सिमट कर शीरी बन गया है। चांद के बचे हुए टुकड़े पर खुदा ने अपनी कारीगरी की सनत पेश की। शहजाद शहजादी शीरी की उम्र क्या होगी? आलम पना कल ही उसकी 17वीं सालगिरह मनाई जाएगी। उफ, तेरी काफी जवानी जोश पर आई। शहरयार, जिंदाबाद जहां पना। काश हम उस 17 वर्ष वाले की सालगिरह में शरीक होते। आलम पना गुलाम की 40वीं सालगिरह में शरीक होकर मशकूर फरमाए। शाहपुर, हमारे साथ आओ। शाहपुर। हुजूर, शीरी सचमुच खुदा की मेहरबानी का नाम है। जहां पना, मैंने शीरी के बारे में बहुत ज्यादा सुना है। तुमने हमें कभी नहीं सुनाया? दरअसल मुझे इनाम की जरूरत नहीं थी आलीजा। शाहपुर, उस कली को हासिल किया जाएगा। हुजूर, उस कली के आते ही घर में कलकल पड़ जाएगी। उसका फिक्र तुम ना करो, शीरी से हमारी मुलाकात का फिक्र करो। इसी फिक्र से तो हुजूर मैंने आपके सामने आज तक कभी शीरी का जिक्र नहीं किया। हमारे हुक्म की तामील हो। सुभान अल्लाह, हुजूर का हुक्म। हुक्म मुझे दीजिए। तुम हमारे लिए क्या कर सकती हो? शीरी आपकी ख्वाबगाह में दाखिल की जाएगी। तुम्हारा इनाम? मेरा इनाम वो होगा जो मैं मांगूंगी। जो मांगोगी वो पाओगी। Thank you.
बेटे आज नौरोज है और तुझे इसकी भी खबर नहीं। मुझे आज शहजादे शीरिन की खिदमत में ये तोहफा पेश करना है। अभी कितना काम बाकी है? सिर्फ जुल्फ का बल निकालना बाकी है। जुल्फ का बल? ला, मैं निकाल लूं। नहीं अब्बा जान, आप तकलीफ ना कीजिए, मैं ठीक कर लेता हूं। बेटे ये जुल्फ का बल निकलकर कहीं तेरी तकदीर में ना पड़ जाए। खुदा तुझे इस जुल्फ की बलदार गलियों से बचाए। अब्बा जान आप ऐसी दुआएं क्यों मांग रहे हैं? बेटे तुम जुल्फ से खेल रहे हो, तुम नहीं जानते ज्यादा बल खाने वाली नागन और ज्यादा बल खाई हुई जुल्फ दोनों का दशा पानी नहीं मांगता। खुदाया मेरे बुढ़ापे की जवानी को जुल्फ के जहर से बचाना। जमीन पे तैरने वाली मछली लाया हूँ। बोलती हुई चिड़िया और जमीन पे तैरने वाली मछली, पेश करो। तरक्की जाओ हशमत, इकबाल बुलंद, उम्र दराज, साया खुदा का तेरे सर पर सदा रहे, गुलशन तेरे जमाल का हर दम खिला रहे। कहाँ है वो बोलती चिड़िया? हुजूर का इकबाल बुलंद ये रही आपके कदम। हुजूर ये अदन की अंदलीब है, तूत ये हजार दास्तां है, इसकी रगों में खून नहीं पारा दौरा करता है, पहली रकासा है जिसके बदन में हड्डी नहीं, कमर के बल हुजूर गिन दे तो सुभान अल्लाह कनीब मु गौर कीजिए।
قیمت مل گئی شہزادی صاحبہ زندہ باد پائندہ باد اٹھو بیٹا اٹھو یہ لو بیٹا یہ لو اپنے فرض کو نہ بھولنا ہے بیٹا جاؤ 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 آج ہم اس مبارک دن پر اپنی بیٹی کو یہ جیتا جاگ پر تحفہ پیش کرتے ہیں شکریہ کیا نام ہے تمہارا شمع کیا یہ زیورات ہے تمہارے ہاتھ میں تم تو شرما رہی ہو اس کہانی کو پھر کبھی فرصت سے سننے کا سالگرہ مبارک ہو شہزادی صاحبہ مبارک ہو شہزادی صاحبہ مبارک ہو جاؤ پریشان مت کرو میں جانتی ہوں حضور کی اداسی پھر بھی یہ جرات کر رہی ہوں آج میں تحفوں کو ایک بار دیکھ تو لیجیے شاید دل بہل جائے حضور کا ہاں شاید اسی طرح وقت گزر جائے شیری دے کر میں اپنی شیری لے جانے آیا ہوں بادشاہ سلامت بہت غصے میں اور ادھر آ رہے ہیں تیرے وہاں سب لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں اور تم ابا حضور یہ تو دیکھیے فرحاد نے کتنا خوبصورت بت بنایا ہے یہ تو شیری کا بت ہے تمہارے گردن کو ساخی تسلیم کر رہی ہے شیری کا بت بنا کر تم نے سرعام ہماری توہین کی ہے ہماری عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے ہم اس کی سزا ضرور دیں گے جلاد ابا حضور ابا حضور اس استاد کے ہاتھ کاٹ ڈالو آپ کا انصاف کچھ ٹھیک نہیں مورت تو میں نے دل سے بنائی اور سزا ہاتھوں کو دے رہے ہیں آپ تمہاری سزا تو صرف موت ہے سزا نہیں نام کہیے لے جاؤ اس دیوانے کو ابا حضور معاف کر دیجیے معاف کر دیجیے خدا کے لیے معاف کر دیجیے میرے آپ کو میری قسم ٹھہرو چھوڑ دو اسے آج میں بھی تیری طرح پتھر کی ہوتی
क्या मालूम आज क्या हो गया। आज फरहाद हमेशा के लिए खफा होके चला गया, अब वो कभी नहीं आएगा। आने दो, जाने दो,
जाने दो फरहान। पूरी होकर रही मैं फिर जीने में थी और दिल में दिलबर की तस्वीर लगती तुमने क्या देखा शर्म इजाजत नहीं देती मैंने आने वाली कल को देखा है इसीलिए अर्ज कर रही हूं कि फरहाद को हर मिखास में आने की इजाजत न दी जाए हम सब कुछ समझ गए फरहाद अब आइंदा महल में नहीं आएगा मैंने आपको सोने से पहले जगाकर अपना फर्ज अदा किया जहां पना कमर ने कमान की सूरत अख्तियार कर ली है आंखों की रोशनी मध्यम हो चुकी है अब मैं अपने आप को बेकार समझता हूं चाहता हूं जहां बना इस गिरती हुई दीवार को खुशी से रुखसत अता फरमाए हमें अजियत जरूर है लेकिन तुमने हालात कुछ ऐसे बयान किए हैं कि इनकार की गुंजाइश नहीं रहती आलीजा मैंने फरहाद को इस काबिल बना दिया है कि वो आपको मेरी गैर हाजिरी महसूस नहीं होने देगा बाप होने की हैसियत से नहीं एक संगतराश और फनकार होने की हैसियत से मैं दावे से कहता हूं कि फरहाद को खुदा ने पत्थर को मोम करने की ताकत बख्शी है हमें इकरार है लेकिन फरहाद को अपने दरबार में जगह नहीं दे सकते क्यों जिले इलाही क्यों का जवाब देने के लिए हम तैयार नहीं हर में खास में फरहाद का जाना मुझे साबित हो सकता है ये आप क्या फरमा रहे हैं आलमपना जो तुम नहीं समझ सकते आज से फरहाद का दरबार या हरम से कोई वास्ता नहीं को इस मर्ज से बचा इश्क अल्लाह की रहमत है अब्बा जान खुदा की बख्शिश को मर्ज न कही है बेटे इस शीरी का कलमा तू हर वक्त पढ़ता रहता है वो तेरे नसीब में नहीं है शाही और गदाई दरिया के दो किनारे
और दो कनारों का वस्त्र कभी मुमकिन नहीं। अब्बा जान, आप इश्क की ताकत से वाकिफ नहीं। इश्क के हुजूर में बादशाही और गदाई दोनों बराबर है। जिद न कर बेटा, मैं तेरी शादी का बंदोबस्त अपने कबीले की एक हसीन लड़की से कर चुका हूं। खुदावंद हुस्न तो शीरी है, फिर कोई दूसरा हसीन कैसे हो सकता है। लड़की वाले तुझे देखने आ रहे हैं, वो तेरे इस पागलपन को देखकर क्या कहेंगे। जो मोहब्बत को पागलपन कहते हैं वो खुद पागल है। इश्क ने सचमुच तुझे अंधा बना दिया है, पर मैं तुझे कभी बर्बाद नहीं होने दूंगा। ये ताकत तो सिर्फ शीरी में है। शीरी शीरी शीरी, हर वक्त कलमाई शीरी। शीरी का नाम फिर मुंह से निकाला तो जुबान खींच लूंगा। किस किस की जुबान खींचेंगे आप? माही और मुर्ग, जंगली दरिंदे और आसमानी परिंदे, सबकी जुबान पर शीरी ही का नाम है। मेरे कानों से सुनिए। खुदाया, मेरे बच्चे को शफा दे, मेरी ही लाठी से मेरी कमर ना तोड़। शीरी डायन है जो मेरे बच्चे का खून भी जाना चाहे। मेरे सामने मेरे ही खुदा बंदे हुसन की तौहीन, मैं यहां नहीं रहूंगा। क्या हो गया बाबा? मेरी तकदीर फूट गई। बाबा क्या हो गया? घर के चिराग ने घर फूट दिया। मेरा बरात पागल हो गया। बरात पागल हो गया? बरात पागल हो गया? पागल हो गया है। पागल हो गया है, खतरा और भी बढ़ गया है। तुम्हारा कहना ठीक था, फरहाद का हरम खास में आना जाना अच्छा ना था। गुस्ताखी माफ, अगर हुजूर मुनासिब समझे तो शहजादी शीरी की शादी जल्द से जल्द किसी मुनासिब जगह कर डाली। हम खुद भी यही सोच रहे हैं। अगर इजाजत हो तो मैं कुछ मदद करूं? तुम क्या कर सकती हो? मैं साबित कर सकती हूँ कि उन्हें शहजादा खुसरू परवेज वाली तहरान से खास दिलचस्प है। क्या तुम सच कह रही हो? हुजूर खुद एक दिन अपनी आंखों से मुलाहिज़ा फरमा लिए। हुजूर ने दोबारा कभी इस तस्वीर के बारे में दरियाफ्त ही नहीं फरमाया कि वो क्या रंगीन दास्तान है। हाँ, क्या है वो, अभी बताती हूँ। ये देखिए, ये है वो रंगीन दास्तान। ये एक बहुत बड़ा जादूगर है। जादूगर है? कौन है, क्या नाम है इसका? तस्वीर अपने हाथ में लीजिए और जब मैं कमरे से बाहर जाऊं तो ये सवाल तस्वीर से कीजिए। क्यों जी, आप कौन है? तस्वीर खुद ब खुद बोलेगी। हमें बेवकूफ बना रही हो? तस्वीर भी कभी बोलती है? यकीन न हो तो आजमा लीजिए। ये रही तस्वीर, मैं बाहर जाती हूँ। देखिए, तीन बार सवाल कीजिएगा। क्यों जी, क्या नाम है आपका? मैंने पूछा, क्या नाम है आपका? जो कुछ मैंने आपसे अर्ज किया था खुद अपनी आंखों से मुलाहिज़ा फरमा लीजिए और कीजिए इश्क किस दर्जे तक पहुंच चुका है। तीसरी बार पूछ रही हूँ, क्या नाम है आपका? शाह खुसरू परवेज, वाली तहरान है इनका नाम। नहीं पप्पी जान, ये तो जादूगर है।
हुस्न भी एक जादू है और ये तो जादूगर है ही, कितना खूबसूरत है। सुना है कुछ आपने उस फरहाद के बारे में? क्या हुआ फरहाद को? अब्बा हुजूर, क्या हुआ है फरहाद को? फूफी जान, क्या हुआ है फरहाद को? शमा, तू ही बता क्या हुआ है फरहाद को? शमा, आई हुजूर। मेरे मालिक, तू ही बता क्या हुआ है मेरे फरहाद को? शहर की हर गली के हर घर में चर्चा है कि फरहाद पागल हो गया है। जी हाँ, मैंने भी यही सुना है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप जल्द से जल्द शीरिन की शादी शाह खुसरू परवेज से कर दें। खुसरू परवेज? वाली तहरान? जी हाँ, वो मुझे बहुत पसंद है। हमारी एक शर्त है। वो उसे भी दिलो जान से कबूल करेंगे। जब तक शीरी के महल में दूध की नहर न जारी होगी, शीरी निकाह में नहीं आएगी। शाह खुसरू परवेज की चाहत के सामने ये शर्त कोई हैसियत नहीं रखती। आप आज ही कासिद रवाना कर दें। शीरी का इस्तांबुल में ज्यादा ठहरना अब ठीक नहीं है, कहीं आपकी आबरू को दाग ना लग जाए। हम आज ही कासिद रवाना किए देते। कि शाह परवेज से हमारा क्या रिश्ता है? सुभान अल्लाह, आप मलकाए तहरान हैं? ये भी जानते हो कि शाह आजकल खोए खोए से रहते हैं? जी जी हाँ, किसी हद तक बेचैनी उन्हें जरूर है। तो फिर तुम ये भी जरूर जानते हो कि वो क्या राज है जिसने शाह को वीरान सा बना रखा है? हुजूर, मैं कुछ नहीं समझा। आपकी जूतियों की कसम, मुझे कुछ मालूम नहीं। तुम झूठ कहते हो। हुजूर, शाहपुर दावे के साथ कहता है कि उसने आज तक झूठ नहीं बोला। लेकिन अब बोल रहे हो। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मुझे कत्ल कर डालिए, मगर इल्जाम ना लगाइए। अगर तुम शाह को किसी उलझन में डालने में शरीक हुए तो हम कत्ल करना भी जानते हैं। भाई बाप, ऐसा ना कहिए, कत्ल कर डालिए मगर कत्ल की धमकी ना दीजिए। मेरा खून हो गया तो इस दुनिया में एक सच्चे की कमी हो जाएगी। आधा बर्दे हुजूर, ये रहा मेरा अमामा, ये रही मेरी तलवार, ये रहा मेरा कमरबंद, और ये रहा आपका शाही चोगा। कदम बोसी के बाद मुझे रुख्सत अता फरमाइए। कहाँ जा रहे हो? अगर आपने मुझे रुख्सत नहीं किया तो मैं इस दुनिया से रुख्सत हो जाऊंगा। क्या बकते हो? हुजूर, मलका साहबा का कहना है कि अगर तुम किसी भी साजिश में शरीक हुए तो कत्ल करवा दिए जाओगे। डरते हो? हुजूर, मैं मौत से नहीं डरता, कत्ल से डरता हूँ। वो कौन सी साजिश है जिसमें तुम शरीक हो? साजिश ये है कि एक म्यान में दो तलवारें रखने में आपका शरीक हूँ। हम जितनी चाहें शादियां कर सकते हैं। सुभान अल्लाह, आहिस्ता बोलिए हुजूर, कहीं बेगम साहिबा ने सुन लिया तो मैदान यही गर्म हो जाएगा। हमारे मामले में कोई दखल नहीं दे सकता। लेकिन आपकी बेगम साहिबा तो दखल दे सकती हैं। ये सल्तनत भी तो आपको उनके वालिद की तरफ से मिली हुई है। हम हुकूमत वापस कर देंगे, मगर करेंगे वही जो हम चाहेंगे। सुभान अल्लाह, अगर इरादा इतना ही पुख्ता है तो हम भी कत्ल के लिए तैयार हैं। हुजूर की खिदमत में इस्तांबुल से कासिद आया है और ये शाही पैगाम लाया है। ज़हे नसीब। कासिद से कह दो कि वो शाही मेहमान खाने में जवाब का इंतजार करे। क्या लिखा है हुजूर? शमा कामयाब हुई, उसने फूफी को राजी कर लिया। जिसने अपने भाई यानी कि शीरिन के वालिद की मर्जी से यह लिखा है,
कि आप पूरे बंदोबस्त के साथ तशरीफ लाइए। आज हम बहुत खुश हैं शाहपुर। हमारे कत्ल का सामान हो रहा है और आप खुश हैं। तैयारी कैसे की जाए? मुझे तो आज तक ससुराल जाने का मौका ही नसीब नहीं हुआ। भला मैं क्या अर्ज कर सकता हूँ हुजूर? क्या क्या नजराने पेश किए जाए? ये बात की बात है हुजूर, पहले ये सोचिए कि मलका साहिबा को क्या कह के जाइएगा। औरत मोम की नाक होती है, तुम उसका फिक्र ना करो। हम ईमान बेचकर भी शीरी को हासिल करने की तमन्ना रखते हैं। सुभान अल्लाह, गुस्ताखी माफ हुजूर, बेईमान का अंजाम बुरा ही देखा है। तुम तैयारी करो, हम बहुत जल्द जाना चाहते हैं। ये भीगी हुई पलके, ये आंसुओं से भरी हुई आवाज, इस तरह मायूस होकर रूह को मौत के हवाले न कीजिए। मैं तन्हाई चाहती हूँ। सरपत में तन्हाई? आप तो तेल का काम करती है। जल जाने दो मुझे। आज रात शमा आपको फरहाद से मिलाएगी। शमा, फरहाद, मोहब्बत को बेनकाब कर दिया तुमने। शीरी, शीरी, फरहाद, मेरी महबूब, इस तरह तुम मर जाओगे। अब तुम मर भी गए इस इश्क में तो कोई गम ना होगा। अब तो खुद को आसमाने को जी चाहता है। खुदा के लिए फरहाद, ऐसी बातें ना करो। मैं बहुत थक गई हूं तुम तक पहुंचने की कोशिश में। हम तो मिल गए, अब किसी और को भी मिल जाने दो। किसे? इन पलकों को। जब से हम जुदा हुए हैं ये भी। सो जाओ। नहीं, तुम चली जाओगी, वो लोग तुम्हें मुझसे छीन कर ले जाएंगे। मौत के सिवा तुमसे मुझे और कोई नहीं छीन सकता। और मौत इतनी देर है हमें। सो जाओ। आंखें बंद नहीं होती, तुम्हें देखना चाहती। तुम मुझे भी आंखों में बंद कर लो। जानता था कि मैं खूबसूरत बेटी का बदनसीब बाप हूं। तकदीर वो दिन दिखाने वाली है जबकि मेरी पगड़ी तेरी ठोकर से मेरे सर से उतार दी जाएगी। लेकिन इसलिए खामोश था कि तू एक बादशाह की बेटी है, तेरी नजर किसी फकीर या दीवाने तक न पहुंचेगी।
उस दीवाने को तुम्हारी जल्लादों हवाले कर दिया जाएगा। अब्बा हुजूर, खुदा के लिए ऐसा न कीजिए, कसूर मेरा है। कसूर उसका है जिसने चुल्ली और दूध पीकर परवरिश पाई और उसी परवरिश करने वाले को ही दस लिया। सांप का जिंदा रखना मेरे मजहब में हराम है। वो तो पहले ही मर चुका है, खुदा के लिए उस पर रहम कीजिए। रहम, रहम किया जा सकता है लेकिन एक शर्त पर। वो क्या? तेरी शादी हम जहां भी तय करना चाहें बगैर किसी हिल हुज्जत के तुम्हें कबूल होगी। उस दीवाने को तो काले में शहर बदल किए देता और साथ ही तेरी डोली की तैयारी का हुक्म भी। मंजूर है? फरहाद की जान बख्श दी जाए, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर। आलम पनाह, कम सिनी से बुढ़ापे तक पूरे 60 वर्ष शाही खिदमात सर अंजाम दी हैं। इनको पेश रखते हुए अर्ज करता हूं कि मेरे सफेद बालों की फैली हुई झोली में फरहाद भीख डाल दें। शाह ने हमेशा रहम किया है, आज भी सही बनकर इस बूढ़े की दिली दुआएं लीजिए। अपने बेटे की करतूत जानते हो? इसने चांद आसमान से तोड़ लाने की कोशिश की। आलम पनाह दीवाना है। यह हमारी दुनिया में अंधेर कर देना चाहता था। दीवाना है, पागल है, इसलिए हम उसकी जान बख्शते हैं और तुम्हारे बुढ़ापे का ख्याल रखते हुए हम उसे शहर बदर का हुक्म देते हैं। जला वतन। रहम आलम पनाह, रहम। शाह, मेरी आंखों में पानी नहीं है, इन खुश्क आंखों पर रहम खा, इन झुरियों पर रहम कर जिनके पीछे मौत मुस्करा रही है। मेरे आका, मेरी मौत को खराब ना कर। चिराग बुझ गया तो जिंदगी के रास्ते मेरे लिए तारीख हो जाएंगे। मैंने फरहाद की शादी का बंदोबस्त अपने कबीले की एक लड़की से किया है। आलम पनाह, मेरा बाप झूठ कह रहा है, मेरी शादी हो चुकी है, मैं एक के बाद दूसरी शादी करना हराम समझता हूं। किससे तुम्हारी शादी हो चुकी है? आलम पनाह, ये कहकर मैं उसकी शादी में रुकावट बनना नहीं चाहता। सुन लिया बूढ़े, इंसाफ तो ये कहता है कभी इसके टुकड़े उड़ा दिए जाए। जल्लाद! रहम आलम पनाह, रहम। शम्मा, आलम पनाह, हुजूर शहजादी साहबा फरमाती हैं कि आपने उनसे जो वादा किया है उसे फरामोश न कीजिए। ले जाओ इस दीवाने गुस्ताख को और इस्तंबोल की हद से बाहर कर दो। जा! आलम पनाह, ले जाओ। आलम पनाह, बादशाह हुस्रू परवेज बालिये तहरान बारियाबी की इजाजत चाहते हैं। वैसे तो आपको हमारी हर शर्त मंजूर है लेकिन शीरी उस वक्त तक निकाह में नहीं आएगी जब तक उसके महल में दूध की नहर न जारी होगी। आप पूरा पूरा इत्मीनान रखें, मैं शर्त का ख्याल रखूंगा। बच्ची मेरी रूह है खुसरू परवेश, हमने उसे बड़े नाजों से पाला है। मैं ईमान की तरह शीरी की हिफाजत करूंगा। अब रुख्सत अता फरमाइए। अगर दोबारा इस्तंबोल में दिखाई दिए तो याद रखो तन से रूह और बदन से हड्डियां अलग कर दी जाएंगी, समझे? और तुम भी याद रखो, अगर मैंने अपनी सरहद में तुम्हें दोबारा देखा तो तन से रूह और बदन से हड्डियां अलग कर दूंगा, समझे? पागल है पागल। Oh.
डूबा जा रहा है, कौन मदद के लिए पुकार रहा है? शीरी आज बेवतन हो रही है। क्या कहा? खुसरो परवेज उसे अपनी बेगम बनाने के लिए तेहरान लिए जा रहा है। कयामत के दिन तेरी जुबान पर अंगारे रखे जाएंगे। अम्बक्त शीरी पर इल्जाम लगा रहा है। अरे भाई मैं सच कह रहा हूँ, यकीन नहीं आता तो खुद जाकर देख लो, अगर वो तेहरान पहुँच गयी तो कयामत तक दीदार न हो सकेगा। शाही महल में मलका मरियम मौजूद है और फिर शहजादी शीरी के वालिद की शर्त, दूध की नहर पहले जारी होगी तब शीरी महल में दाखिल होगी। हुजूर ठीक है, तुम यहाँ का बंदोबस्त करो, हम मलका मरियम की तरफ जाते हैं। दो ही Oh.
हो फसाना न अपना है न बेगाना सुना निजात मिल जाती जैसे उस हिरन को मिल गई है। दीवाना कहीं का? दीवाना तू है। पूछ क्यों? अक्सर दीवाने मुझे दीवाना कहते हैं। कौन तुम? मैं कौन हूं? हाँ, इस वीराने का बादशाह। तुम कौन हो? शाह फिरोज, वालिये सिस्तान। वालिये सिस्तान? ओ तो वालिये सिस्तान, एक बात तो बताओ। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? कदरिया कहता है कि शीरी तहरान पहुंच गई है, क्या ये सच है कि खुसरो परवेज शीरी की तस्वीर से अपने महल से जाना चाहता है? दीवाना है। यही मेरा भी ख्याल है, कदरिया दीवाना है। ये शीरी कौन है? फिर पूछो। शीरी कौन है? फिर पूछो। पगले शीरी कौन है? पगले फिर पूछ, शीरी कौन है? आओ, 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 मैं तुम्हें बताता हूं। आओ, 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 आओ। अरे सलीम अम्मा, मुझे सागर से बचाओ। मुझे देखकर भाग गया। बुढ़िया, कौन है ये? नाम तो फरहाद है, लेकिन चलती फिरती फरियाद है। दीवाना सा क्यों दिखाई देता है? मोहब्बत ने इसके सर पर ताज रख दिया है। ओ, तो इसे शीरी से मोहब्बत है? शीरी को भी अपने फरहाद से नाज है। शीरी? शाह इस्तांबुल की दुख्तर ही नहीं दख्तर? आजकल वो खुसरो परवेज की नजरों का तारा बनी हुई है। खुसरो परवेज? वो तो मेरा दामाद है। वो ही दो दिलों के लिए दो धारी तलवार बन गया है। हमारे होते हुए ये जुल्म नहीं हो सकता। बादशाह, तकदीरें लिखी गई और लिखने वाले ने कलम रख दिया है। हम फरहाद की तकदीर बदल देंगे। फरहाद, आओ हमारे साथ। कहा, तुम्हें शीरी मिल जाएगी। कहाँ जा रहे हो फरहाद? ये पूछने वाले तुम कौन होते हो? और मैं क्यों बताऊं कि मैं तहरान जा रहा हूं शीरी के पास? अब्बा जान का मकतूब आपके नाम। खैरियत? आपकी खैरियत दरियाफ्त की है, पढ़ लीजिए। आपके वालिद को फरहाद की हालत पर तरस आ गया है। फरमाते हैं कि फरहाद का दिल तोड़कर अगर तुमने शीरी से शादी की तो इसका अंजाम अच्छा ना होगा, क्योंकि शीरी फरहाद की अमानत है। मेरे ख्याल में
फरहाद और शीरी की बद्दुआ ना लीजिए। हमारे इरादों को कोई नहीं बदल सकता। फरहाद से शादी करके शीरी कैसे खुश रह सकती है? कहां एक मलके हुस्न और कहां एक दीवाना। इश्क हमेशा दौलत को ठुकराता आया है। हम मानने के लिए तैयार नहीं। एक दिन आपको मानना पड़ेगा कि जिस मोहब्बत को ताज वाले बादशाह नहीं खरीद सकते, इश्क के बेताज बादशाह उसे मुफ्त पा लेते हैं। शीरी मर जाएगी जहां पलक, वो पूरे एक दिन और दोपहर से भूखी है। हाँ, ना उसने कुछ खाया है ना पिया है और ना ही शीर से गुसल किया है। गुस्सा किस बात का है? कहती है जब तक दूध की नहर महल में ना आएगी मैं भूखी प्यासी मर जाऊंगी। परवरदिगार दूध की बारिश कर दे। अगर दूध की नहर ना निकली तो शीरी से पहले हम जरूर मर जाएंगे। समा, तुमने हम पर काफी एहसान किया है। शर्मिंदा ना कीजिए जापना, यह भी तुम्हारा एहसान होगा। शीरी को हमें करीब से दिखाओ। आप महल में तशरीफ लाइए। मलिका की नजरों से बचकर महल तक पहुंचना मुश्किल है। कहीं महल से बाहर। बहुत अच्छा, आपकी खुशी के लिए ये भी होगा, मगर मेरी खुशी का ख्याल जरूर रखिएगा। अलमपना, खबर मिली है कि फरहाद तेहरान पहुंच गया है। तेहरान पहुंच गया है? खतरा और भी बढ़ गया हुजूर। फरहाद जहां भी हो, जिस हाल में हो, हमारे सामने पेश किया जाए। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह क्या? सुभान अल्लाह, जरूर हाजिर होगा। ये तेरा शहर है, ये तेरी बस्ती के लोग हैं। बड़े ही खुश नसीब हो मेरे भाई, मेरे खुदा ने आकर तुम्हारी बस्ती को आबाद कर दिया है। तुम कौन हो मेरे भाई? आप किसे पूछ रहे हैं भाई? मैं कौन और मैं किसे पूछ रहा हूँ? अरे इसे तो मैं जानता हूँ, ये तो फरहाद पागल है। पागल कौन? फरहाद दीवाना? फरहाद सौदाई? फरहाद फरहाद फरहाद, मैं फरहाद नहीं हूँ, मैं सौदाई, मैं पागल हूं, मैं दीवाना हूं। किसका? शीरी का। मैं शीरी का दीवाना हूं। शीरी कमबख्त शीरी को बदनाम करता है। शीरी मेरा खुदा है और खुदा का नाम लेना बदनामी नहीं। खामोश, तुम्हारा शीरी का नाम लिया जबान खींच लूंगा। शीरी 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 मेरा आज शीरी है, मेरा अंजाम शीरी है, मुझे फरहाद क्यों कहते हो? मेरा नाम शीरी है। Ha ha ha!
को लूट कर यहाँ, खुशियों को लूट कर यहाँ, देते हैं गम निशानियाँ, कब तक रहेंगे प्यार पर दुनिया की मेहरबानियाँ, खुशियों को लूट कर यहाँ। राहे वफा में लुट गए कितने दिलों के काफिले, राहे वफा में लुट गए कितने दिलों के काफिले, मंजिल पे आके और भी बढ़ते रहे हैं फासले, बर्बाद होके रह गई, बर्बाद होके रह गई, फरमा भरी जवानियाँ, कब तक रहेंगी प्यार पर दुनिया की मेहरबानियाँ, खुशियों को लूट कर यहाँ। होते रहे तुम बनती रही कहानियाँ, कब तक रहेंगे प्यार पर दुनिया की मेहरबानियाँ, खुशियों को लूट कर यहाँ। खुशी के ख्वाब थे सब आंसुओं में ढल गए, गुलशन में रह गया है क्या, तिनके थे चार जल गए, तिनके थे चार जल गए, था मेरा आशिया कहाँ, था मेरा आशिया कहाँ, मिलती नहीं निशानियाँ, कब तक रहेंगे प्यार पर दुनिया की मेहरबानियाँ, खुशियों को लूट कर यहाँ। फरियाद बन गई अगर, फरियाद बन गई अगर, उल्फत की बेजुबानियाँ, कब तक रहेंगे प्यार पर दुनिया की मेहरबानियाँ, खुशियों को लूट कर यहाँ, देते हैं वो निशानियाँ, कब तक रहेंगे प्यार पर दुनिया की मेहरबानियाँ, खुशियों को लूट कर यहाँ। रूह का हर दिन परेशानी में गुजरता है, मैं आपके कुछ काम आ सकती हूँ? दिल बहुत उदास है सलमा, यूं मालूम होता है जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। खुदा के लिए ऐसी बातें ना कीजिए, आपकी बेचैनी मुझसे नहीं देखी जाती, दरअसल आपको सुकून की जरूरत है। मेरे नसीब में सुकून का? सुना है 900 साल पहले का यहाँ एक पुराना मजार है, शमा का कहना है कि आपको सुकून वहीं मिल सकता है। सुकून मिलेगा, आप चलकर तो देखिए। Thank you.
शीरी, बड़े ही बेरहम है तेरे शहर के लोग। तू बासी रह गया है ना, ले मार ले। मार? नहीं बाबा, मैं मारने नहीं आया। मैं तो ये पूछने आया कि तुम इतने परेशान क्यों, क्या चाहते हो? दीदार। दीदार? दीदार क्या होता है? ये जो बेचैन आंखें है ना, इसी का जलवा देखना चाहती है। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। तुम बहुत थक गए हो ना, आओ मेरे साथ बाबा के मजार पर, वहां तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। सब कुछ? सब कुछ? हाँ, मैं वहां रोज जाता हूँ और मुझे रोज खाना मिल जाता है। आओ मेरे साथ। आँखों में तुम्हारे जलवे हैं, आँखों में तुम्हारे जलवे हैं, होठों पे तुम्हारे अफसाने। आँखों में तुम्हारे जलवे हैं, होठों पे तुम्हारे अफसाने। बेताब ये दिल से तंग आकर पहुँचे हैं यहाँ तक दीवाने। बेताब ये दिल से तंग आकर पहुँचे हैं यहाँ तक दीवाने। आँखों में तुम्हारे सहारा बेकसों का है, यही इंसाफ का घर है। कोई भी हो यहाँ पर, मर्तबा सबका बराबर है। यहाँ से मांगने वाला कभी खाली नहीं जाता। जहाँ बिगड़ी हुई तकदीर बनती है, ये वो दर है। तकदीर के कब तक जुल्म सहे, तुमसे न कहे तो किसे कहे। तुमसे न कहे तो किसे कहे। ये दर्द मोहब्बत क्या शह है, ये दर्द मोहब्बत क्या शह है, बेदर्द जमाना क्या जाने। बेदर्द मोहब्बत क्या शह है, बेदर्द जमाना क्या जाने। आँखों में तुम्हारे तुम्हारे आस्ताने से न हम नाकाम जाएंगे। गुजरती है जो इस दिल पर वो रो रो कर सुनाएंगे। तुम्हारे
दर पे आ जाए हैं हम ये फैसला करके, यहीं मर जाएंगे हम या मुरादें अपनी पाएंगे, या दिल की कली अब खिल जाए या खाक में हंसी मिल जाए, या खाक में हंसी मिल जाए। ऐ शम्मा तेरे जलवों की कसम, ऐ शम्मा तेरे जलवों की कसम, जल कर ही रहेंगे परवाने। ऐ शम्मा तेरे जलवों की कसम, जल कर ही रहेंगे परवाने। कौन हो तुम? अब तो इसकी भी खबर नहीं थी। तुम्हारा नाम? पहले फरहाद था, अब शीरी है। जानते हो तुम्हें दरबार में क्यों हाजिर किया गया है? क्यों? शीरी को रुस्वा करते हो? हा? खुद ही खुद को रुस्वा कर लो। मैं इतना दीवाना नहीं हूं। लालो गौहर, ये बिखरा हुआ हुस्न और चांदी सोने के सब सिक्के ले लो और एक सौदा हमसे करो। क्या? फकीर हूं, सौदागर नहीं। तुम एक बहुत बड़े जोहरी हो, तुम्हारे पास एक मोती है जिसे हम अपनी अंगूठी का नगीना बनाना चाहते हैं। क्या? मैंने नाम, इज्जत और जिंदगी बेचकर एक मोती खरीदा है जिसे शीरी कहते हैं, वही हम हर कीमत पे तुमसे खरीद देना चाहते हैं। बादशाह, दीवाना हूं, खाली जेब और फटा हुआ गिरेबा मेरी जागीर सही, मगर तेरे दरबार में वफा बेचने नहीं आया। हम शीरी के बदले तेहरान की हुकूमत, अपना ताज और ये तख्त दे सकते हैं। वो कोई और फरहाद होगा जो अपना खुदा बेचता है। भूलो नहीं, हम हर तरह तुमसे शीरी ले सकते हैं। बादशाह, फकीर की तौहीन न कर, मेरी दीवानगी का मजाक न उड़ा। अगर तूने दोबारा शीरी का जिक्र मुझसे किया तो अपने गरेबा की तरह तेरा गरेबा भी चाक कर दूंगा। जबान बंद करो। आलमपना, ये सर इसका अपना थोड़ा ही है, ये तो इसे किसी की नजर कर चुका है। सुभान अल्लाह, आशिक हो तो ऐसा हो। हम तो तुम्हें आजमा रहे थे। आजमा लिया तो फिर जाऊं? तुम्हारे सोने में खोट नहीं। ताज्जुब है कि तुम्हें खबर ही नहीं, शीरी चार दिन से भूखी प्यासी। बादशाह, जिनके पास खून दिल और लख्त जिगर मौजूद हो वो भूखा प्यासा नहीं रह सकता।
शीरी का कहना है कि जब तक दूध की नहर महल में नहीं आएगी तब तक मैं ना कुछ खाऊंगी न पीऊंगी। उसका यह भी कहना है कि फरहाद ही नहर निकाल सकता है क्योंकि उसे मुझसे सच्ची मोहब्बत है। तो क्या तुम नहर निकालकर उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाओगे? मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए नहीं, हुक्म मानने के लिए तैयार हो। तो तुम शीरी की जुबान से नहर जारी करने का हुक्म सुनना चाहते हो? यही आखिरी आरज़ू है। फरहाद को गुसल कराया जाए और अच्छी पोशाक पहनाई जाए। आदमी मालूम होते हो? मैं अब अपने आप को दीवाना समझता आओ हमारे साथ। कहाँ? शीरी अपनी जुबान से तुम्हें नहर जारी करने का हुक्म देगी। शीरी? मेरे मालिक, फिर तेरा एहसान है। आज फर्श अर्श से मिलने जा रहा है। हशमत पना वालिये तेहरान तशरीफ ला रहे हैं। हम आदाब पेश करते हैं। इसलिए हम आपकी मिजाज पुरसी के लिए हाजिर हुए हैं। खुदा का शुक्र है। आप कब तक यूं भूखी प्यासी रहेंगी? जब तक लखते दिल और खूनी जिगर मौजूद है। शायद आप नहीं जानती, अगर आपको कुछ हो गया तो हमारी जिंदगी का चिराग बुझकर रहेगा। माफ कीजिए, आप तो यहां आने की जहमत क्यों की है? एक शख्स नहर जारी करने का वादा करता है। कौन है वो जो वक्त से पहले खुदा को अपनी जिंदगी लौटा देना चाहता है? फरहाद आदाब पेश करता है। खुदा बंदे हुस्न। आप इसे जानती हैं? ये फरहाद नामी संग तराश है। आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं। ये आपसे नहर जारी करने का हुक्म सुनना चाहता है। यूं क्यों नहीं कहते कि अपनी मौत का हुक्म सुनना चाहता है? तुम क्यों मरना चाहते हो? खुदावंदे हुस्न, आशिक मरकर जिंदा होते। खुदा न करे, मरने की बातें न करो। मेरे आका, फरहाद पर भरोसा रखिए। इश्क अगर सादिक है तो पहाड़ रुई बनकर उड़ेंगे। ये बाद में देखा जाएगा, पहले ये बताओ कि दाम क्या लोगे? कोहकन हूँ बादशाह, सौदागर नहीं। पहाड़ अगर कट गया तो सोच समझकर इंसाफ कर देना। जाओ, जो मांगोगे वो पाओगे। मेरी तकदीर की तरह फिर तो नहीं जाओगे? हम शीरी को गवाह करके कहते हैं, जो मांगोगे वो पाओगे। जब मेरा खुदा मेरा गवाह है तो मुराद मेरी झोली में है।
खुदा हाफिज। भूल रही है कि आप हमारी मंगेतर हैं। शाही वकार का आपको ख्याल रखना चाहिए और यह भी ख्याल रहे कि दुनिया के हर वो शय जिसे हम चाहते हैं हासिल कर लेते हैं। हजारों रंग बदलेगा जमाना, न बदलेगा मोहब्बत का फसाना, मोहब्बत का फसाना। हजारों रंग बदलेगा जमाना। पिघल जाते हैं पत्थर मोम होकर, पिघल जाते हैं पत्थर मोम होकर, सिमट जाते हैं कतरे में समंदर। मोहब्बत छेड़ती है जब तराना, मोहब्बत छेड़ती है जब तराना। न बदलेगा मोहब्बत का फसाना, मोहब्बत का फसाना। हजारों रंग बदलेगा जमाना। उड़े तो चांद तारे तोड़ लाए, उड़े तो चांद तारे तोड़ लाए, गिरे तो आग पानी में लगाए, बनाए बिजलियों पे आशियाना, बनाए बिजलियों पे आशियाना। न बदलेगा मोहब्बत का फसाना, मोहब्बत का फसाना। हजारों रंग बदलेगा जमाना। मोहब्बत मौत से भी क्या मरेगी, मोहब्बत मौत से भी क्या मरेगी, जमाने से मोहब्बत क्या डरेगी। के इसकी ठोकरों में है जमाना, के इसकी ठोकरों में है जमाना।
न बदलेगा मोहब्बत का फसाना, मोहब्बत का फसाना, हजारों रंग बदलेगा जमाना, न बदलेगा मोहब्बत का फसाना, मोहब्बत का फसाना, हजारों रंग बदलेगा जमाना, हजारों रंग बदलेगा जमाना। जीने भी नहीं देती, मरने भी नहीं देती तेरी याद। मैं फरहाद के बारे में अर्ज कर रहा हूं हुजूर, वो ना खाता है ना पीता है ना सोता है, दिन रात पहाड़ों से टकराता रहता है। क्या कह रहे हो साहब? मैं सही अर्ज कर रहा हूं हुजूर, वो लोग जो उसे दीवाना कहते थे उनकी जुबानें बंद हो चुकी हैं, वो लोग जो उसका मजाक उड़ाकर हंसा करते थे खामोश हो चुके हैं। मैंने तो यहां तक सुना है कि आधे से ज्यादा पहाड़ कट चुका है, नामुमकिन मुमकिन नजर आने लगा है हुजूर। हम मानने के लिए तैयार नहीं, तुम खुद जाकर वाकयात का पता लगाओ और जल्द से जल्द हमें आगाह करो। जो आलम पना। सुन ले तू मेरी सना, रो रो के मेरी मोहब्बत, तुझको पुकारे वाला बच्चा और शीरें के लिए रोनी सूरत बनाने वाला शाह तेहरान, दोनों में कोई फर्क नहीं। फर्क तुम्हारे नजदीक ना होगा, हमारे लिए बहुत बड़ा फर्क है। बच्चा मजबूर है
चांद को पा नहीं सकता। हम बादशाह हैं, हमारी जिद पूरी होकर रहेगी। बंदा पर्वत कथा कलामी मुआफ खाकसार आदाबर पेश करता है। शाह आलम शाह सुर्खो परवेज के सुखर, शाह खुसरो परवेज के खुसर। हुजूर आपके ससुर शाह फिरोज वालिये सिस्तान तशरीफ लाए हैं। अब्बा जान, ये कबाब में हड्डी कहां से आ गई? खुदा उन्हें जन्नत नसीब करे, शायद आपको समझाने आए हैं। तो क्या हम बेसमझ हैं? हुजूर को बेसमझ समझना और शेर की मूछ से मजाक करना एक ही बात है। माफ कीजिए, मेरे आने का मकसद कुछ और ही था। खबर मिली है कि पल की पल में नहर महल तक पहुंच जाएगी। नहर निकल आई है? कैसे? ये बात मेरी समझ से तो बाहर है, शायद हुजूर की समझ में आ जाए। शाहपुर बंदा नवाज, अगर नहर निकल आई तो फरहाद इनाम में शीरी ही मांगेगा। तो क्या शीरी हमारे हाथ नहीं आएगी? जो हाथ आके हाथ नहीं आई वो अब क्या हाथ आएगी? अगर हम फरहाद को शीरी देने से इनकार कर दें तो हुजूर को शीरी बेईमान और बेइंसाफ समझकर नफरत करने लगेगी। और अगर हम फरहाद को कत्ल करवा दें तो? सुभान अल्लाह, शीरी भी खत्म हो जाएगी और हुजूर का हश्र में मुंह काला हो जाएगा। बेअदब बदतमीज आलमपना, गुस्ताखी मुआफ, होने वाली बात अर्ज कर रहा हूं। हम इस काम के लिए तुम्हें मुकर्रर करते हैं। रहम मेरे आका, तुम अपने बादशाह का हुक्म नहीं मानते? बादशाह का हुक्म खुदा के फरमान के बाद है। बकवास बंद करो, जो हम चाहते हैं तुम्हें करना ही होगा। मैं ये गवारा कर सकता हूं कि दर बदर की ठोकरें खाता फिरूं, मगर ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि किसी बेगुनाह के खून से अपने कफन को रंग लूं। मुझे रुख्सत अता फरमाइए हुजूर। तुम हमारी ताकत को नहीं जानते, हम जो चाहते हैं उसे हासिल कर लेते हैं। शायद आप इश्क की तासीर से वाकिफ नहीं। शाह आग से खेलने की कोशिश ना करो, ये न भूलो कि दिल जलों के नाले अर्श हिला देते हैं। बेगुनाह का खून आपको खून के आंसू रुलाएगा। अभी भी वक्त है, आप अपने नापाक इरादों से बाज आइए। दूर हो जाओ हमारी नजरों से। तुमने हमारा नमक खाकर हमसे गद्दारी की है, तुम दोजख में जाओगे। जहां बना मैं दोजखी हूं, लेकिन खुदा की रहमत से ना उम्मीद नहीं। चले जाओ। कौन? समा? नहीं, मौत। मौत इसकी? फरहाद की। समा, समा, इस वक्त फरहाद की मौत ही हमारी जिंदगी है। मैं आपको जिंदगी और खुशी दोनों दे सकती हूँ। कहती हो समा? इससे पहले कि मेहर शीर के महल तक पहुंचे, फरहाद दूसरी दुनिया में पहुंच जाएगा। तुम्हारा एहसान हमें खरीद लेगा समा? नहीं जा बना, आपकी कीमत बहुत ज्यादा है। दोबारा वादा कीजिए मेरी छोरी भर दी जाएगी। हम वादा करते हैं। खुदा वाला कारसाज है, उसकी रहमत से तुम्हें मायूस नहीं होना चाहिए। खुशबू परवेज वाली तेहरान। माफी चाहता हूं, तबीयत कदर नासाज थी, इस्तकबाल न कर सका। हमारी मान लो, हम समझेंगे कि दिली इश्तियाक से तुमने हमारा इस्तकबाल किया। फिर शायद
तुम्हें हमारा खत नहीं मिला? पढ़ा मैंने, आपकी हमदर्दी मुझसे होनी चाहिए थी। और खुरदार ये ना भूलो कि दिल टूटते हैं तो आसमान से बिजलियां बरसती हैं। दिल तोड़कर बिजलियों को आवाज न दो। आसमान अगर टूट पड़ा तो जमीन तुम्हें जगह नहीं देगी। एक बाप कब चाहेगा फिर उसकी बेटी पे कोई सौकन आ जाए। फरहाद शीरी का आशिक सादिक है। शीरी भी फरहाद को अपनी जिंदगी समझती है। शीरी से फरहाद को जुदा ना करो, खुदा का कहर जोश में आ जाएगा। बे आवाज लाठी को आवाज न दो। इसलिए कह रहा हूं कि तुम मेरे दामाद हो। आप मुझे बेइंसाफ समझते हैं? तुम खुद को क्या समझते हो, आशिक या शौहर? शौहर तो तुम हो, मोहब्बत के माने नहीं समझते, इसलिए तुम आशिक बन ही नहीं सकते। मैं सिर्फ इंसाफ पसंद हूं। अगर नहर निकल आई तो वादे के मुताबिक फरहाद को मुमांगा इनाम दिया जाएगा। शीरी फरहाद की है। अब दुनिया की कोई ताकत शीरी को फरहाद से जुदा नहीं कर सकती। शीरी मेरी है। मैं आ रहा हूं शीरी, मैं आ रहा हूं। मुमकिन है, फरहाद के होते हुए शीरी कभी मर नहीं सकती। इससे पहले कि अजल शीरी को अपने आंचल में ले ले, मैं खुद मौत का गला फोड़ दूंगा। मैं सच कहती हूँ, मेरी शीरी दुनिया में नहीं रही। बड़े की बातें न करो। शीरी की दुश्मन मालूम होती हूँ जो ऐसे मनहूस अल्फाज मुंह से निकाल रही हो। नहीं बेटा, मैं नामराज शीरी की नामराज आया हूँ। खुसरो परवेज उसे अपनी मलका बनाना चाहता था, मगर उसने फरहाद का नाम लेकर महल के झरोके से कूद के जान दे दी। हाय, मरते दम तक उसके मुंह से फरहाद का कलमा था। फरहाद का कलमा? बेटा, फरहाद से न कहना,
नहीं तो वो सच्चा आशिक भी नामराद दुनिया से चला जाएगा। फरहाद का कलमा शीरी ने फरहाद के लिए जान दे दी। शीरी तूने मेरा बहुत साथ दिया है ना, एक और एहसान मुझ पर नसीब पर कर दे, कयामत तक तेरा नाम जिंदा रहेगा। मुझे भी वही पहुंचा दे जहां मेरी शीरी चली गई, मुझे भी वही पहुंचा दे। लावारिस नामराज की लाश को ले जाओ इन्हें और शादी की तैयारी करो। आनंदना, तुमने हमें जिंदगी बख्शी है शमा, हमें शुक्रिया अदा करने दो। पांव पकड़कर दामन फैलाया है। क्या चाहती हो? वादा पूरा कीजिए। हम तैयार हैं, बोलो। लाल चाहती हूँ। बस लाल? वो लाल जिसे तहरानी जहाँ अपना खुसरू परवेज के नाम से याद करते हैं। मतलब? ये मेरे दिल की मांग है। पहले मुझे अपने बाजुओं में जगह देकर हरम में जगह दीजिए। बकवास बंद करो, जानती हो तुम किससे दिल लगी कर रही हो? मुझे नाम राज ना कीजिए मेरे आका, मैंने आपको पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। शमा, हम अकील सही लेकिन इतने जलील नहीं है ये खुद गलत रक्का को अपनी बेगम बना ले। जहापना, मुझे यूं न ठुकराइए जहापना, मैंने आपके लिए शीरी को फरहाद से जुदा की, मैंने अपनी मोहब्बत के लिए बेगुनाह फरहाद की जान ली। बेगुनाह का खून हश्र में इंसाफ मांगेगा और जवाब तुम्हें देना होगा। मेरे आका, मेरे आका, मैं हश्र में जवाब दे दूंगी लेकिन इस वक्त आप मुझे जवाब न दें। तलवार पे न गिरो समा, वरना कट जाओगी, दूर हो जाओ हमारी नजरों के सामने से। तुम्हारे कपड़ों पर लगे हुए बेगुनाह खून के धब्बे हमें डराते हैं। मेरे आका, चली जाओ वरना राज बनाकर निकाली जाओगी। फरहाद की कब्र को सजा रही हूँ। शहजादी साहबा, खुशी के मौके पे आपको गम की बातें नहीं करनी चाहिए, और फिर मरे हुए का गम। शहजादी साहबा, शहजादी साहबा, गम किस बात का और मरा कौन है? वो मुझे बुला रहा है, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। फरहाद, कहाँ शीरी? वो चली गई आलीजा। चली गई? कहाँ चली गई? वो कह रही थी कि फरहाद के पास जा रही हूँ। सुन ले तू मेरी सदा, रो रो के मेरी मोहब्बत, तुझको
मोहब्बत को फना नहीं, शीरी और फरहाद की शक्ल में इश्क की पैदाइश हुई। इश्क मोहब्बत के झूले में परवान चढ़ा और अब देखिए मोहब्बत का घर जन्नत में है। रहेगी बाकी।